नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्वागत करता हूँ बी जेनरिक में। मैं अंकित सिंगला आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो लोग इतना ज़्यादा बेचैन हैं इसको जानने के लिए कि हम हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। हम अपनी वाइफ की, कोई अपनी बहन की, कोई अपने भाई की, कोई अपने माता पिता की, कोई अपने बच्चों की, हर इंसान किसी ना किसी की एक्सपेक्टेशन पूरा करना चाहता है। और इवन कि अगर मैं प्रोफेशनल बात करूँ, एक एम्प्लॉई अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता है, बट जबकि ऐसा वो नहीं कर पाता। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चीजों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकें और अपनी जो सुपीरियरिटी है, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे वो कोई भी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर सकते भी हैं कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। एक्सपेक्टेशंस होती क्या है? किसी से कुछ चीज़ को पाना। अगर मैं अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने माँ बाप से कुछ चीज़ पाना चाहता हूँ तो मेरी वो एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। वो तीनों चीज़ें अगर मुझे मिल रही हैं फिर भी मैं एक्सपेक्टेशंस रख के बैठा हूँ कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और वो कैसे पूरी की जा सकती हैं वो हमें डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस किस किस की पूरी होती हैं मैं पहले वो बता दूँ। एक्सपेक्टेशंस एनिमल्स की पूरी हो सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक जानवर है, कोई भी डॉग, बिल्ली, एलिफेंट, कुछ भी, उसका उसको भूख लगी है, उसने जो भी खाना खाना था उसने खाया, उसके बाद आपने उसके सामने पनीर टिक्का रख दिया, शाही पनीर रख दिया, कुछ भी खाना रखा, इवन नॉन वेज रखा, जो भी वो खाता है वो खाना रखा, तो उसने नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसका पेट फुल हो चुका है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भर चुकी हैं, तो वो उसके बाद उस चीज़ों को नहीं खाएगा। तो सबसे पहले बात, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो चुकी हैं, उसकी डिज़ायर्स भी पूरी हो गई हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो चुकी हैं, तीनों चीज़ें उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट किसकी पूरी हो जाती है? एक छोटे से बच्चे की। छोटे से बच्चे की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? उसको बस एक टॉय दे दिया, उसने खेलना है, जब तक उसका मन करेगा उसने खेल देना है। अब उसको ये नहीं पता कि वो टॉय चाहे एक रुपए का आया हो, चाहे वो हजार रुपए का आया हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने जब उसको तोड़ने पे आना है, उसको तोड़ देना है, उसको कुछ नहीं सोचना कि ये एक हजार का आया था या एक रुपए का आया था या मेरे माँ बाप ने मेरे को कैसे दिलाया था। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरा मन भर चुका है, मैं अब इससे उग चुका हूँ। तीसरी एक्सपेक्टेशंस किसकी पूरी हो जाती हैं? जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन्स, रिटायर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है, इट मे बी 80 प्लस एज, इट मे बी 60 प्लस एज, इट मे बी 40 प्लस एज। हर बंदे का रिटायरमेंट लेवल एक डिफरेंट रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का रिटायरमेंट लेवल वही हो जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है। तो रिटायरमेंट के बाद उसको पता है उसने दुनिया को भरपूर जिया, दुनिया के साथ उसने आँख से आँख मिला के काम किया, बातें की, सब कुछ किया, अब उसके मन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़रूरतें, वो सारी पूरी हो चुकी, क्योंकि उसको खाने का कोई टेंशन नहीं है, उसको जीने का कोई मकसद नहीं है, उसको बस देख लिया कि हाँ जी हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हैं, अब जो जिंदगी जैसे है वैसे को चलती रहे। वो बहुत ही ज़्यादा मच्योर इंसान बन चुका है। एक्सपेक्टेशंस किसकी पूरी नहीं होती? मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, बेवकूफ़ और नासमझ, ये दो का मिक्सचर जब हो जाता है उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी पता नहीं चलती। बेवकूफ़ क्यों? एक एनिमल बेवकूफ़ हो सकता है, उसका पेट भर गया, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हैं। ना समझ, एक छोटा बच्चा, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं। बट जब ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है, जब हम उस थोड़ी सी बीच की एज में होते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं और हम लोग दुखी होते रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी हो सकती हैं? अब देखो, दो चीज़ें हैं। एक, आप किसी को जो मांग रहा है वो दे दो, बट उसका ये असर नहीं होना चाहिए कि वो खुद से परेशान हो जाए। अब सपोज करो, एक मछली है, वो पानी में तैर रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पानी में रहे और वो तैरती रहे और मुझे बस दिखती रहे कि हाँ वो यहाँ से वहाँ फ्लोट हो रही है। अगर मैं उसको बोलूँ कि तू ऐसे कर, तू उड़ के दिखा, तो चल के दिखा, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन से परे हो गई चीज़, तो वो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। सेम वे टर्टल, अब टर्टल धीरे धीरे चलता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है तो घोड़े की तरह दौड़ के दिखा, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गई चीज़ें, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत करो। ऐसा ही सेम विद हस्बैंड वाइफ होता है, ऐसा ही सेम विद आपके फ्रेंड के साथ होता है, जब आप किसी पार्टी वार्टी में जाते हो तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को
नोट डाउन कर लीजिए, आप पहले अपने आप को तो समझो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको यही नहीं पता हमें इन दोनों से चाहिए क्या। तो सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आपको हर चीज़ दे रहा हो, बट फिर भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो हो सकता है कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस का पता ही ना हो। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके भी साथ ऐसा डेफिनेटली होता होगा। तो पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को नोट डाउन कर लो, हो सकता है वो 5 पॉइंट बने, हो सकता है 10 पॉइंट बन जाए। तो जब आपके ये एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं, जब आप नोट डाउन करके बैठ जाओ, उसके बाद सामने वाले को ट्रांसफर करो। हो सकता है 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन 10 पॉइंट्स को आप अपने पार्टनर को ट्रांसफर करो। जैसे ही आप अपने पार्टनर को ट्रांसफर करोगे तो वो देखेगा कि मैं इसमें से पूरा कैसे कर सकता हूं। अगर आपने मांग लिया कि मुझे तो जेट खरीद के दे दो, दूसरा आपने मांग लिया मुझे तो 100 करोड़ का घर चाहिए, तो वो चीजें हो सकता है पूरी ना हो। ये तो होगी पैसे की बात। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो चीज़ हम लोग देना चाहते हैं बट दे नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने माँ बाप से दूर हो जाओ। लड़का बोलता है लड़की को तो अपने माँ बाप से कट जा, लड़की बोलती है लड़के को तो अपने माँ बाप से कट जा। तो वो चीज़ें भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं आती, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो जो बीच का जो डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया, वो बीच के डिफरेंस का जो एंड पॉइंट है वो वाला पॉइंट है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। एक्सपेक्टेशंस पूरी तब होंगी जब आप दोनों एक पॉइंट पे मैच करोगे, क्योंकि आप ना तो बेवकूफ हो ना आप ना समझो, आप समझदार भी हो, सब कुछ हो, बट आपको अब बीच का पॉइंट निकालना है। तो बीच के पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ चीजें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेंगी। अगर आप दोनों एक ही जिद पे अटके रहोगे कि मैंने तेरी माननी नहीं, मुझे अपनी मनवानी ही मनवानी है, तो बस फिर तो एक्सपेक्टेशन होंगी ही नहीं कुछ भी पूरी। तो उस चीज़ों को हमेशा मेंटेन रखने के लिए बीच का रास्ता बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपके 10 पॉइंट्स में से 4 वो माने, 6 आपको मानने पड़ जाएं, हो सकता है वो 2 माने, 8 आपको मानने पड़ जाए, क्योंकि कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है, कुछ फिजिकल फैक्टर हो सकता है, कुछ इमोशनल फैक्टर हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ब्रिज बना के चलिएगा। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस के बारे में कुछ बताया है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक्सपेक्टेशंस आप किसी की भी पूरी नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज हमारे देश में अभी लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो अगर हम सारे मिलके चाहें उसमें से 10 करोड़ लोग जो भूखे पेट सो जाते हैं हर रोज, जरूरी नहीं है कि वो सेम पर्सन हो, ये भी जरूरी है कि वो डिफरेंट पर्सन भी हो। अगर सारे मिलके ये चीज़ जान लें कि अगर हमें उन 10 करोड़ लोगों को खाना देना है, तो डेफिनेटली अगर हम 100 करोड़ लोग भी एक एक रुपये जुटाएंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 10 दिनों तक किसी को भी एक रुपया देने की बारी नहीं आएगी, क्योंकि हर रोज़ तो 10 करोड़ लोग ही भूखे पेट सो रहे हैं ना। इवन तो 140 करोड़ देंगे तो 14 दिनों तक, मतलब महीने में 2 बार आपको 2 रुपये देने होंगे। तो 2 रुपए दिए, 2 रुपए किसी के भी लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। महीने का, मैं महीने की बात कर रहा हूं, साल का अगर मैं बात करूं 25 रुपए, मतलब वैसे तो 24 ही बनते हैं, पर चलो 25 रुपए साल का किसी को डोनेट करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, अगर वो 10 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है। तो वो तो होगी जरूरतें। अब बात करते हैं डिजायर्स। अब एक बंदे को रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए, दूसरे को BMW, तीसरे को मर्सिडीज, वो तो आप सारे पूरी नहीं कर सकते ना। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आपको उसको जानने के लिए उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हो, बट उसके डिजायर्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर नेवर एंडेड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बट आज का कोड ऑफ द डे, कोड ऑफ द डे इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को हम अपनी जरूरत मानेंगे, जरूरत को कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है। सो कोड ऑफ द डे इज नॉट एक्सपेक्टेशंस, कोड ऑफ द डे इज नीड्स, NEEDS। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीड्स लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।